गाइस, रेडियोमेट्रिक एज डिटेक्टिंग से की गई वैज्ञानिक खोज में कई ऐसे पत्थर मिले हैं जो करीब करीब पृथ्वी जितने ही पुराने हैं। दरअसल रेडियोमेट्रिक एज डिटेक्टिंग एक ऐसी वैज्ञानिक प्रोसेस है जो किसी भी वस्तु की उम्र बता सकती है। इन प्राचीन चट्टानों की संरचना के अलावा दुनिया की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें जो कि बाहरी अंतरिक्ष से चंद्रमा या अलका पिंड से चट्टानों के नमूने के रूप में आई हैं, ये सभी चट्टानें जो कम से कम 3.5 अरब साल पुरानी हैं, वो पृथ्वी के निर्माण के बारे में बहुत सी जानकारियां देती हैं। तो आइए जानते हैं इन पुरानी चट्टानों के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। नंबर 7 पर आती है ईसुआ ग्रीनस्टोन बेल्ट। ईसुआ ग्रीनस्टोन बेल्ट पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। ये करीब 3.5 अरब साल पुरानी है। खोज के बाद से ही लगातार इस चट्टान के ऊपर कई शोध और जानकारी हासिल की जा रही है। खोज के बाद ग्रीनस्टोन बेल्ट का पूरी तरह से अध्ययन किया गया, क्योंकि इसमें सबसे पुराने और सबसे अच्छे संरक्षित प्राचीन टेक्टोनिक प्लेट मौजूद हैं। नंबर 6 पर आती है अकास्टा गिनेस। नव बोटिक्यू ग्रीन स्टोन बेल्ट की खोज से पहले अकास्टा गिनेस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने रॉक फॉर्मेशन थे, जिसका सबसे पुराना हिस्सा लगभग 4.031 बिलियन साल पुराना है। हालांकि नोब्यूगेटिक चट्टान की उम्र निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों पर विवाद के कारण बहुत से लोग अभी भी अकास्टा गिनेस को ही सबसे पुराना क्रिस्टल रॉक मानते हैं। नंबर 5 पर आता है एलन हिल्स। एलन हिल्स एक अल्कापिंड है जो मंगल ग्रह से आया है। ये अल्कापिंड 1984 में एंटार्क्टिका में पाया गया था। ये अल्कापिंड 1996 में अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है, जब हाइउटसन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के शोधों के एक समूह ने घोषणा की कि उन्हें अल्कापिंड में मंगल ग्रह के जीवन से संबंधित संकेत मिले हैं। नंबर 4 पर आता है जेनेसिस पत्थर। जेनेसिस पत्थर चंद्रमा की किसी चट्टान का एक नमूना है। इसका सैंपल स्पेयर क्रेटर्स के अंतरिक्ष यात्री जेम्स इरविन और डेविड स्टॉक द्वारा अपोलो 15 मिशन के दौरान एकत्रित किया गया है। पत्थर को इसका नाम गिनेस इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ माना जाता है कि ये चंद्रमा की प्रारंभिक परत का हिस्सा था। हालांकि हाल ही के विश्लेषण में इसकी आयु लगभग 4.1 अरब वर्ष तक आंकी गई है, जो चंद्रमा से भी कम है। नंबर 3 पर आता है नब्बुगुतिक ग्रीन स्टोन बेल्ट। ये 2001 में भूवैज्ञानिक की खोज में उत्तरी क्यूबेक में हाटसन की खाड़ी के तट पर पृथ्वी की सबसे पुरानी ज्ञात चट्टान नब्बुगुतिक ग्रीन स्टोन बेल्ट में पाई गई थी। भूवैज्ञानिकों ने प्राचीन ज्वालामुखी निष्पेक्ष का उपयोग करते हुए लगभग 4.28 बिलियन साल पुराने चट्टान का सबसे पुराना हिस्सा निकाला था। नंबर 2 पर आता है जैक हिल्स जिरकोन। जैक हिल्स जिरकोन को पृथ्वी पर अब तक की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक सामग्री माना जाता है, जो लगभग 4.375 बिलियन साल पुरानी है। जिरकोन तकनीकी रूप से चट्टान नहीं है, लेकिन हमने महसूस किया है कि जिरकोन को भी इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। और नंबर 1 पर आता है चंद्र नमूना यानी कि लूनर सैंपल। दुनिया का सबसे पुराना पत्थर पृथ्वी का नहीं बल्कि चंद्रमा से आया है। ये पत्थर अपोलो 16 के दौरान चंद्रमा के एक चट्टान से उठाया गया था। एक ऐसा पत्थर जिसे लूनर सैंपल 67215 के रूप में जाना जाता है, ये पत्थर लगभग 4.46 अरब साल पुराना माना जाता है। पत्थर की रिसर्च से पता चला है कि ये चंद्रमा की पपड़ी में ऊपरी सतह से पाया गया था। गाइस, आपका इन पत्थरों के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।